बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस टाइपोग्राफी पर हमने बात की थी। टाइपोग्राफी की बात समझ में आ गई थी आप लोगों को। उसमें एक और चीज़ भी लिखी हुई थी अगर आप लोगों ने देखी हो उस सेशन में कि 12 वे टू क्रिएट प्रिसाइज विद टाइपोग्राफी। किसी ने देखा उसको? नहीं देखोगे तो मुझे बताओ कैसे हल होंगे मामला। ये पढ़ गया ना, नेक्स्ट क्लास में पूछूंगा मैं क्या है क्या नहीं है सारी चीज़ें। इसी तरह इसमें तो खैर मैंने बता दिया था आपको, ये देख के आना है आपको, इसको देख कर आना है। मैं डिस्कस करूँगा टाइपोग्राफी से आप कैसे फोकस क्रिएट कर सकते हैं। क्लियर है? लाजमी तौर पर इसमें बैठिए, ये सारे असाइनमेंट बनाने हैं सेशन में जो मौजूद है। ठीक है, और मैं अभी से आप लोगों के लिए एक और चीज़ बता रहा आज डेट है 25। हमारा सेशन मुकम्मल हो जाएगा तकरीबन आज 10 तक। ऐसी नहीं, आज से भी आगे बढ़ा रहे सब। और क्या होता है ब्रोशर, असल में उसको बनेगा फोटोशॉप में, ब्रोशर पोस्टर दोनों फोटोशॉप के हैं। बंटिंग्स बन सकती है इसमें। तो 10 चीज़ें हैं ये, और चलो ब्रोशर डाल देते हैं। ठीक है जी, ये 11 चीज़ें होंगी आपके पास 25 नवंबर को। आप लोगों ने जिस तरह ये प्रेजेंटेशन हुई थी इनकी, लेकिन चूंकि इसमें तो हमने एक्सटर्नल बुलाया था और ये फाइनल प्रोजेक्ट की थी, ये सिर्फ इलस्ट्रेटर बेस्ड होगी और क्लास में होगी और मैं ही लूँगा, तो वो आपको ये प्रोजेक्ट पूरा बनाकर लेकर आना है सब ने। ये मैं अभी से इसलिए दे दिया एक महीना पहले से कि आपको कोई एक्सक्यूज़ ना हो इन वाला कि टाइम नहीं मिला या पहले नहीं बताया,
ठीक है जी शहजादे, हाँ तुम लोगों को बेटा इतना ही दिया टाइम, उससे ज़्यादा ही टाइम दिया है, तुम लोगों का मसला बेटा, वो तुम लोग गायब हुए, हमें तो पूरा टाइम दिया है असाइनमेंट्स, ठीक है जी, क्लियर। ये रेगुलर क्लास के असाइनमेंट्स से हटकर है, जो रेगुलर चलेंगे वो चलते रहेंगे साथ में। हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, ब्रश के अंदर में ब्लॉब ब्रश भी एक चीज़, पैंट ब्रश और ब्लॉब ब्रश, इसमें फ़र्क ये है कि ब्लॉब ब्रश आपका जो बनाता है वो क्या बनाएगा, फिल बनाएगा, जबकि नॉर्मली आपका ब्रश क्या बनाता है, स्ट्रोक बनाता है, इसलिए इस पर स्ट्रोक आ सकती है। क्लियर है, तो डिज़ाइन वगैरह बनाने में करने में बाजार बहुत आसानी देता है ये चीज़। इसी तरह आपके पास है शार्पनर, शेपर टूल, शेपर टूल का काम ये, तो जितने रिफाइनली आप शेप डिफाइन करेंगे उतना जो है वो ये बना देगा आपको शेप, शेपर टूल। पेंसिल, पेंसिल पेंसिल होती है भाई, बताने की जरूरत नहीं क्या होती है, पेंसिल पे भी तकरीबन तमाम वही चीज़ें आ जाती है जो आप ब्रश पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। पर चूंकि जिस तरह हमारे यहाँ ब्रश और पेंसिल में फ़र्क होता है, इसी तरह इन्होंने इस फर्क को रखते हुए जो है वो दोनों चीज़ें अलग अलग दे दी है। स्मूथ पेंसिल से ही कोई चीज़ बनाई आपने पहले, स्मूथ टूल का काम ये है कि नाउ यू कैन रिफाइन द कर्व, क्या हो गया निगम में, मेहनत करो अगर बन जाएगा कर, क्लियर है। पाथ रेजर, ठीक है, और रिमूव करना है पाथ कहीं से, जॉइंट टूल, क्लियर पड़ा। इसमें स्मूथ टूल से क्या फर्क आया, स्मूथ टूल से ये फर्क आया भाई कि ये देख रहे हो इसकी कंडीशन, अगर आप इस पे स्मूथ टूल लगा दो, जितना आप क्रशर फैलाओगे उतने देख रहे हो पॉइंट्स को कम करेगा और रिफाइन करेगा, ये चीज़ आपके पास।
जी क्या हो गया, क्या हो गया? ठीक है, फर्क आया समझ में या नहीं? इस टूल का वो जो एज निकले हुए होते हैं उसको भी आप इससे सही कर सकते हैं। समझे या नहीं समझे? अच्छा, इस तरह पेन टूल की तरह एक और इन्होंने एक नया टूल है, ये पुराने वर्जन में नहीं है, कर्वेचर टूल। बेसिकली पॉइंट लगाया आपने। अभी डायमीटर के लिहाज से ही आपको जो है वो कर देगा। तो बहुत हद तक शेप जो है वो सर्कल या कर्व जितने हैं उसको तमीज से बनाने में आसानी हो जाती है आपको। नहीं समझे? ये चीज अगर आप टूल से बनाने जाएंगे तो आपको ये हैंडल्स वगैरह खुद खुद मैनेज करने पड़ रहे हैं, तो ये बाज़ दफ़ा सही बैठेगा भी और बाज़ दफ़ा नहीं भी बैठेगा। ये कुछ चीजें हैं आपके पास, इरेजर है आपके पास। इरेजर में तीन ऑप्शंस हैं, इरेजर, सीजर और नाइफ। इरेजर का काम तो सिंपल सा है, डबल क्लिक करके साइज को आप जो सेलेक्टेड है उस पर अप्लाई करेगा। सीधा काट दो, जितना हाथ सीधा चलेगा उतना सीधा कटेगा। सब मजे ले रहे तुम लोगों को। सीधा गया थी मेरे को समझ में नहीं आया, उससे फिल्म आ जाएगा। ग्रेडियंट का ग्रेडियंट टूल भी मौजूद है, आप अगर इस पर अप्लाई करेंगे, सॉरी मुझे अप्लाई चाहिए, इसमें ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं सारी चीज़ें, कोई इशू नहीं है। एक चीज़ और, क्लिप पे मास और कंपाउंड मास दो चीज़ें बता दूँ, उसके बाद
तस्वीर लाएंगे तो उसको एम्बेड कर देंगे, ये बात बता चुका हूँ पहले मैं, और उम्मीद है कि आप लोगों को याद नहीं होगी। सही, ये तस्वीर है हमारे पास, पेन टूल लिया मैंने फिलहाल। सो जाओ उसे। शेप बना दिया हमने, सीधा जैसा भी बनाया, दोनों को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक, एक क्लिक पे मास्क। ये आपके पास एक तरह से समझ लें कि इलस्ट्रेटर में तस्वीर कटिंग करनी है तो ये हो जाए शेप और पीछे इमेज, तो जितना शेप कंटेन कर रहा होगा वो इमेज का हिस्सा पीछे का नजर आएगा, क्लिप मास्क करने के लिए नहीं, क्लियर है। और वो ये फड्डा है इलस्ट्रेटर के साथ फड्डा है, ये मसला है इसका। और कंपाउंड पार्ट आपके पास क्या होता है, कंपाउंड पार्ट आपके पास ये होता है, ये आपने बनाया राइट क्लिक, जो कॉमन एरिया है उसको गायब कर देगा, क्लियर या नहीं, स्माइल। पर असाइनमेंट नहीं आया अभी भी, ठीक है आज असाइनमेंट कोई नहीं दे रहा, लेकिन जो पिछले असाइनमेंट्स हैं वो